फर्स्ट कॉन्डोनियम जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि जिसमें दो मोड्स होते हैं, टैबलेट मोड एंड डेस्कटॉप मोड। मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप अपना कंप्यूटर लैप जिसमें टच स्क्रीन की तरह यूज करना चाहते हो तो एक्शन सेंटर में टैबलेट मोड होता है, उसको आप ऑन कर सकते हो। ये मैंने पिछली बार स्टेप्स बताए थे, अभी मैं वीडियो एक बार फिर से वो दोबारा से भेज रही हूँ। मेन इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, इन टैबलेट मोड द स्टार्ट मेन्यू ओपन्स इन फुल स्क्रीन अलॉन्ग विद द करंटली एक्टिव विंडो। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब हम टैबलेट मोड ऑन करते हैं तो हमें सिर्फ एक स्टार्ट बटन नजर आता है और ऐसे एप्स टाइल्स की फॉर्म में नजर आने शुरू हो जाते हैं और एक बैक बटन नजर आता है, टास्क बार सब कुछ रिमूव हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द टैबलेट मोड मैक्सिमाइजेस ऑल द एप्स को बड़ा कर देता है और रिमूव टास्क बार आइकन्स एंड नोटिफिकेशन ट्रे रह जाती है साइड पे। ये जो साइड पे यहाँ पे हमें मैसेज बॉक्स मैसेज नजर आते हैं, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन ट्रे, ये रह जाती है। और बैक एरो रहता है, सर्च आइकन रहता है, ठीक है, और टास्क व्यू बटन भी रहता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विंडोज 10 ऑटोमेटिकली चेंजेस टू दिस मोड इफ इट डिटेक्ट्स देयर इज नो कीबोर्ड अटैच। अगर आपके कंप्यूटर में ये पता लगता है कि कीबोर्ड अटैच ही नहीं है तो विंडोज 10 का यही फीचर इसको स्पेशल बनाता है कि ये ऑटोमेटिकली आपका टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें स्टार्ट बटन आता है, सर्च बॉक्स रहता है, टास्क व्यू बटन रहता है और आपके एप्स ऐसे टाइल्स में नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर उसको ये पता लगता है कि कीबोर्ड आपके कंप्यूटर से नहीं अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली टैबलेट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही फीचर विंडो 10 का स्पेशल है, कॉन्टोनियम नेम है।